तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। ए, ए, उसे गन काय को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो, देख क्या रहे हो। मैंने कहा ना, इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, ए, आप उनके फार्म हाउस में चार पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहा है? ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहा था ना, मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया है। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। मैं बता रहा, तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी। जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे दल में जाए। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीढ़ी लेकर यहां क्यों आ गए? वॉल्टर वासु का फोन है सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप खामोश क्यों है सर, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा। बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। कुछ नहीं हुआ मूर्ति। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीढ़ी वॉल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वॉल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा, मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं। मैं वही पुराना मवाली हूं। मैं वही करप्ट शैतान हूं जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा। मैं वही दया हूं जिसमें दया का नाम निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
स्टॉप इट। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर, आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूँ। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप बदल गए हैं। आई विल शूट यू मूर्ति जी। आई विल शूट यू मूर्ति जी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मूर्ति जी कहा? इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। बड़े छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर, मैं कह रहा हूँ आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। माँ की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अपने इस नए जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो ना तो खुद ही देख लो। अगर ये दरिंदे यहाँ आकर सीढ़ी लेकर चले गए तो आप सही होंगे, लेकिन अगर ये आपसे अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस गए तो मैं सही साबित होऊंगा। आज झूठ और सच का फैसला होकर रहेगा। मैं वहां बैठकर ये सब कुछ देखूंगा। हो जाने दो सही गलत का फैसला। ए, तूने भाई का फोन क्यों नहीं उठाया? सीडी दे रहा है कि नहीं? सीडी चाहिए तुम्हें? सर के पास वहीं बेंच पर पड़ी है, जाओ उसे लेकर जाओ। यही रूप देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस नए एसआई को। छोड़ना मत इन्हें। Police! Police! Police!
साई शहर में आया है। अब तक तुमने सिर्फ करप्शन की कोख से पैदा हुए ऑफिसर्स देखे, लेकिन अब मेरी भारत माता ने एक ईमानदार ऑफिसर को जन्म दिया है। उसका नाम है दया, 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 जो तुम्हारी पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। आज उसके अंदर का हिंदुस्तानी जाग गया है, इसलिए अब तुझे और तेरे इन वैश्य कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। आता पुलिस चीफ सटकली।